सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ईडियम फ्रेजेस, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ईडियम फ्रेजेस हैं उनका ही कलेक्शन है। तो वहीं से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वही ईडियम फ्रेज आज हम कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है कि वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट, वॉश देयर हैंड ऑफ इट। तो इसका मतलब होता है कि डी एसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम, ठीक, मतलब उससे डी एसोसिएटेड, मतलब उससे एसोसिएट नहीं होना, उससे अलग होना, ठीक। नेक्स्ट है पुट हर फुट डाउन, टुक ए फर्म स्टैंड, मतलब कोई एक फर्म के लिए एक अपना कदम उठाना, ठीक है। पुट हर फुट डाउन का मतलब हो गया टुक ए फर्म स्टैंड, मतलब एक सही कदम उठाना। नेक्स्ट है हेल्पन डेज, हेल्पन डेज का मतलब होता है हैप्पी डेज, खुशी के दिन, हेल्पन डेज होता है हैप्पी डेज, खुशी के दिन। नेक्स्ट है कि फील ऑन स्टोनी ग्राउंड, फील ऑन स्टोनी ग्राउंड, हैड लिटिल सक्सेस, मतलब एक बहुत ही छोटी सी सफलता प्राप्त की है उसके बारे में, फील ऑन स्टोनी ग्राउंड। नेक्स्ट है कि हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो, इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो, इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ठीक प्रकार से, व्यवस्थित रूप से, ठीक है, उसको बोलते हैं हैज ऑल हिज डक्स इन ए रो। नेक्स्ट हैज एन एक्स टू ग्रीन, हैज एन एक्स टू ग्रीन, हैव ए प्राइवेट एजेंडा, मतलब कोई प्राइवेट, कोई पर्सनल वर्क होता है उसके लिए बोला जाता है हैव एन एक्स टू ग्रीन, ठीक। नेक्स्ट है ड्रू ए ब्लैंक, ड्रू ए ब्लैंक, डिड नॉट फाइंड हिम, फाइंड हिम, उसका पता नहीं लगना, ठीक है। डिड ए ड्रू ए ब्लैंक का मतलब होगा डिड नॉट फाइंड हिम। नेक्स्ट आता है हमारा कि पुट हर फुट डाउन, पुट हर फुट डाउन, वाज फर्म, जैसे कि अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, वाज फर्म, बिल्कुल सेम वही है, रिपीट हो गया है। मेक ए किलिंग, मेक ए किलिंग का वो होता है मेक मनी क्विकली, बहुत जल्दी से पैसा कमाना, बहुत जल्दी से मनी को कमाना, उसको बनाना, उसको कहते हैं मेक ए किलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है गेन सेइंग, जी ए आई एन एस ए वाई आई एन जी, गेन सेइंग होता है डिनाइंग, मतलब मनाही करना, किसी चीज के लिए भी मनाही करना, उसको बोलते हैं गेन सेइंग। नेक्स्ट है टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, ये हो जाता है मेड माई वर्ड्स और एक्शन इन इफेक्टिव, मतलब मेरे शब्दों का या मेरे कथनों का कोई इफेक्ट ना पड़ना, उसको कहते हैं टेकन द विंड आउट ऑफ माई स्नेल्स। नेक्स्ट है पोर्स कोल्ड वाटर ऑन, पोर्स कोल्ड वाटर ऑन, डिस अप्रूव्स ऑफ, मतलब किसी चीज को अप्रूवल ना मिलना, डिस अप्रूव हो जाना, मतलब हमने कोई प्रपोजल रखा और वो डिस अप्रूव हो गया, तो उसके लिए कहा जाता है पोर्स कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट है हर हेयर डाउन, रियली इंजॉय, मतलब ठीक प्रकार से, सही प्रकार से इंजॉय करना, उसको बोलते हैं हर हेयर डाउन। नेक्स्ट है जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, वाज इन पैनिक, ठीक है, पैनिक हो जाना, पैनिक होना, तो उसको बोला जाता है जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। नेक्स्ट है कि टेकिंग हर फॉर ए राइड, टेकिंग हर फॉर ए राइड, तो उसका मतलब हो जाता है ट्राइंग द ट्रिक हर, ट्राइंग टू ट्रिक हर, तो उसके ट्रिक के लिए प्रयास करना, ट्राइंग टू ट्रिक हर, टेकिंग हर फॉर ए राइड, ठीक है। नेक्स्ट है 16 idioms phrase है कि फिट ऑफ द ब्लूज, फिट ऑफ द ब्लूज, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, फिट ऑफ द ब्लूज। देखिए अगर बात की जाए idiom phrase की, तो इनको याद करना थोड़ा सा कठिन है, अगर याद करने की बात करें थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर क्वेश्चन सामने आता है तो सेंस लगाकर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम ऑब्जेक्टिव बेसिस पर लेकर चलेंगे, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा idiom phrases को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बल्कि ये देखेंगे कि 10 अगर idiom phrase है तो 10 के 10 आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी ऐसी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है।
नेक्स्ट है यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन आइडिया होता है एक इमेजिनरी आइडिया, एक काल्पनिक सोच, है ना, काल्पनिक आइडिया जो होता है उसके लिए हो जाता है यूटोपियन आइडिया। नेक्स्ट हो जाता है गेटिंग इनटू ए रॉ, उसका मतलब है पिकिंग अप ए फाइट, पिकिंग अप ए फाइट। नेक्स्ट है ए स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब हो जाता है अनइम्पोर्टेंट, ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण ना होना, ठीक है, महत्वपूर्ण ना होना, ए स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट है लूज योर हेड, लूज योर हेड का मतलब होता है गेट एंग्री, क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो उसके लिए बोला जाता है लूज योर हेड। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताए 20 idiom phrases जो कि प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक, तो आप अगर प्रीवियस एग्जाम की कोई भी बुक देखेंगे या प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको यही वाले idiom phrases मिलेंगे। तो वहीं से अपना कलेक्शन तैयार किया है मैंने idiom phrases का, और वही आपको इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड करा दिया है। और आने वाले टाइम में करीब करीब मेरे पास 600 के आसपास है, ठीक है, 550-600 काउंट नहीं है, ठीक है, तो वो सब आपको करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ idiom phrases से रिलेटेड ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।